आज लोकसभा में जिस प्रकार का राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया है हिंदुओं को लेकर के, असत्य बोलते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ हैं, इस प्रकार का वक्तव्य हमारे संपूर्ण हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा अपमानजनक शब्द है। जो व्यक्ति हिंदुत्व के विषय में नहीं जानता है और फिर भी कोर्ट पर जनेऊ पहनता है, चुनाव के पहले मंदिरों में जाता है, हिंदुओं से मिलता है, हिंदू नाम रखता है और अपने आप को हिंदू कहलाता है, और वो जब चुन के आता है और जब वह लोकसभा में जाता है, जो सर्वोच्च जो मंदिर है, न्याय का मंदिर है, वहाँ पर जा कर के ऐसे वक्तव्य देता है, इसका मतलब है कि उसे हिंदू को नहीं जाना। हिंदू क्या है? अगर इस संपूर्ण सभ्यता में प्रारंभ से लेकर के अभी तक अगर सत्य है, अहिंसा है, दया है, करुणा है, तो हिंदू में है। ये नकली हिंदू क्या समझे कि हिंदुत्व तो क्या है? तो ये हमारे ऋषि मुनि जो अभी तक जितना कुछ हमारे वेद उपनिषद बड़े बड़े शास्त्र उसमें यही बातें हैं कि सत्य है, अहिंसा है, परोपकार है, दया है, करुणा है, और इस बात को जो न समझे, केवल सत्ता के लिए हिंदू शब्द का उपयोग करे, वो व्यक्ति हिंदुत्व के विषय में जब ऐसा बोलता है तो सच में ये बहुत पीड़ादायक है। और इस देश में राहुल गांधी को चुनने वाले केवल अन्य धर्म वाले नहीं हैं, अधिकांश हिंदू ही हैं। तो ऐसे हिंदुओं को विचार करना पड़ेगा कि हम इस प्रकार की भद्दी भाषा और हमारे अपमानजनक शब्द क्या हम सुन सकेंगे या सुनने चाहिए या सुनते रहोगे, ये अपने को विचार करना पड़ेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति को समाज में जब रहेगा, ये अहिंसा फैलाएगा, हिंसा फैलाएगा, ये अराजकता फैलाएगा, दूसरे एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करेगा, ये केवल राजनीति नहीं है, हम लोग राजनीति की बात नहीं करते हैं। आज हिंदू शब्द का जो प्रयोग किया, वहाँ पर हमें पीड़ा हुई है। तुम राजनीतिक भाषा बोलो, तुम बीजेपी के लिए कुछ बोलो, तुम दूसरे पार्टी के लिए कुछ बोलो, वो बात अलग है। आज हिंदू शब्द लेकर के जो बात कही है, ये बहुत अपमानजनक है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदू जाति से आज भी गलती हुई है, गलती हो रही है और गलती करते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही करते जाएंगे तो ये लोग हम लोगों को इसी प्रकार ये मिटाते रहेंगे, हम लोगों को ये दबाते रहेंगे, और इन्होंने हिंदुओं को ही आतंकवादी घोषित करने की पूरी योजना बनाई थी। अगर कसाब जिंदा न पकड़ा जाता तो जो आठों आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, उनको हिंदू बता करके ये कांग्रेस वाले हिंदू धर्म का उस समय भी ये दुष्प्रचार करने वाले थे, और आज भी जब ये थोड़ी संख्या में आए हैं तो ये अपमान कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज को अवश्य विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या हम चुन करके लोकसभा में भेजें, जनप्रतिनिधित्व करने के लिए भेजें। हमें सब विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज अत्यंत ही निंदनीय बात कही है राहुल गांधी ने, जो हिंदू समाज के लिए, तुम राजनीतिक भाषा तुम दूसरी तरह से यूज कर सकते हो, दूसरे तरह से बोल सकते हो, हिंदुत्व का सीधा सीधा नाम लिया है, इसलिए घोर निंदनीय है। इसके लिए संपूर्ण विश्व में, भारतवर्ष में नहीं संपूर्ण विश्व में रहने वाले समस्त हिंदुओं से तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा हिंदुओं को भी विचार करना चाहिए कि ऐसे नेताओं को आगे भविष्य में अगर चुन के लाना है तो ऐसा ही अपमान करते रहेंगे, और इससे आगे बढ़ कर के भी इनके दिल में क्या है वो तो वही जाने, परंतु आज मुझे बड़ी पीड़ा हुई है ऐसी बात सुन करके, ऐसे शब्द सुन करके। तो हम लोगों को पुनः एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। इतना ही मैं निवेदन करता हूँ हमारे हिंदू समाज से, हमारे सनातनियों से, हमारे भारतवर्ष के लोगों से, जिन्होंने ऋषियों का, मुनियों का, जिनका नाम धारण किया हुआ है, गोत्र धारण किया हुआ है, उनके नाम से हम जीते हैं,
तो ऐसे लोग अवश्य विचार करना चाहिए कि हम कब तक अपमान सहन करेंगे। तो बड़ी पीड़ा हो रही है। अभी तो सत्ता में नहीं है, प्रतिपक्ष में है, तब ये उनका तेवर है। अगर सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, ये विचारणीय विषय है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा।